हेलो गाइस, आज हम हैदराबादी मटन बिरयानी बनाएंगे। मटन बिरयानी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, चलिए देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे न्यू वीडियोस सबसे पहले देख सकें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। चलिए बिरयानी की इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। 1 कप ऑयल, साल्ट टू टेस्ट, गरम मसालों में सिनेमन 1 टेस्ट, ग्रीन कार्डियमन 1 टेस्ट, ब्लैक क्यूमन 1 टेस्पून, फ्राइड ऑनियंस 1/2 कप घी, स्पाइसेस में टर्मरिक पाउडर 1 टीस्पून, साल्ट 2 टीस्पून, 3 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 4 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 टीस्पून शाजीरा पाउडर, इलायची 1/2 टीस्पून बारीक पिसी हुई, 8 लौंग बारीक पिसा हुआ पाउडर, 5 टीस्पून लेमन जूस, मैरिनेशन के लिए मटन में नमक, मिर्ची, हल्दी, अदरक लहसुन, इलायची, लौंग, दालचीनी, शाजीरा डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। 1 कप दही, 1 कप फ्राइड ऑनियन, कोथमीर, पुदीना, हरी मिर्च और तेल डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम राइस को पकाने की तैयारी करेंगे। राइस के लिए 22 कप वाटर, 1 टीस्पून घी, 3 ग्रीन चिली, 1 दालचीनी का चकला, 8 इलायची, 1 टीस्पून शाजीरा, 5 टीस्पून साल्ट, 2 टीस्पून घी, 6 कप बासमती राइस। बासमती राइस को 2 घंटे भीगने रख दीजिए, कम से कम आधा घंटा तो भीगने रखना जरूरी है। पानी गर्म होने के बाद शाजीरा, दालचीनी, इलायची और घी डालकर पानी को एक बॉयल आने देंगे। पानी के पकने के बाद हम इसमें चावल डालकर उबाल लेंगे। चावल का पानी उस वक्त ड्रेन करेंगे जब ये चावल कच्चे की तरह टूटे, पके की तरह नहीं, कच्चे की तरह, तब हम इसका पानी को ड्रेन कर देंगे। एक बड़े पतीले में गोश्त को अच्छी तरह फैला लेंगे। गोश्त को अच्छी तरह फैलाने के बाद इसके अंदर हम कोथमीर ऐड करेंगे, थोड़ा सा पुदीना ऐड करेंगे, 2 हरी मिर्च को लंबे काट कर इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ी सी फ्राइड ऑनियंस भी डाल देंगे। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें 1/2 डन राइस को डाल देंगे।
राइस के ऊपर थोड़े से पुदीने के पत्ते, थोड़ी सी कोथमीर, हरी मिर्च, फ्राइड ओनियन, रेड फूड कलर, अब हम घी ऐड कर देंगे, इसके बाद इसे दम होने के लिए रख देंगे। सबसे पहले तो ये 15 मिनट हाई हीट पर रखेंगे, इसके बाद एक 40 मिनट इसको लो हीट पर पकाएंगे।